महिंद्रा स्कॉर्पियो के पिकअप्स काफ़ी कंट्रीज़ में आते हैं लेकिन इंडिया में नहीं आते। इंडिया में ज़्यादा बलेरो पिकअप चलते हैं महिंद्रा के, लेकिन अब एक 5-सीटर वर्जन लॉन्च हुआ है स्कॉर्पियो पिकअप का, जो कि काफ़ी चांस है कि इंडिया में भी लॉन्च होगा, जिसमें हमको 4x4 और बढ़िया लुक्स मिलती है। तो आज बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो शुरुआत करें इसके लुक से, तो इसके फ्रंट में हमको पूरी स्कॉर्पियो वाली लुक्स ही मिलती है, और इंडिया में स्कॉर्पियो का क्रेज़ तो आपको पता ही है कि कितना है। इसमें हमको प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स की यूनिट मिलती है और उसके नीचे फॉग लैम्प्स मिलते हैं जो कि क्रोम की हाउसिंग के साथ आते हैं। लेकिन इसमें हमको फ्रंट बम्पर गार्ड मिलता है मेटल स्किड प्लेट के साथ, क्योंकि ये एक पिकअप वर्जन है। रियर में भी हमको काफ़ी डिसेंट सी लुक्स मिल जाती है, जिसमें हमको इसकी टेल लाइट में डिफरेंट बल्ब्स की यूनिट मिल जाती है और नीचे मेटल का बम्पर मिलता है हैवी ड्यूटी वाला। साइड में हमको 17 इंच के काफ़ी कूल से एलोयज मिलते हैं, जो कि गाड़ी के लुक्स को और भी बढ़िया बनाते हैं। और साइड में ही हमको 4x4 की बैजिंग मिलती है, क्योंकि ये एक 4x4 पिकअप है। इसके पीछे जो सामान रखने वाला पोर्शन है, उसमें हमको लगभग 1100 किलो तक की लोड कैपेसिटी मिलती है, जिसमें आप कुछ भी सामान रखकर कैरी कर सकते हो। और इसके ऊपर जो इसको कवर करने का और स्टैंड है, वो मत सोचना कि आपको कंपनी से मिलेगा, वो इसकी एसेसरी का पार्ट है, वो आपको अलग से पैसे देकर लगवाना पड़ेगा। कंपनी से तो हमको ये पूरा खुला मिलेगा ऊपर से। और यहाँ पर ही इसकी ताकत ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके 4x4 पावर के साथ हमको 2500 किलो तक की टोविंग कैपेसिटी मिलती है, क्योंकि इसमें हमको 2.2 लीटर का एमहोक टर्बो इंजन मिलता है, जो कि 320 Nm पर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ही ये ऐसी कारनामे कर पाती है और इसको एक असली पिकअप बनाती है। गाड़ी की लुक्स और पावर के साथ साथ हमको इसका इंटीरियर भी धातु मिलता है, मतलब एकदम प्रीमियम, जिसमें इसके सेंटर में हमको एक 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में। इसमें हमको वही सेम सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि अभी वाली स्कॉर्पियो में आता है, जो कि सही है। और यहीं पर इसकी तबाही मचाना ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इसमें हमको ऑल इलेक्ट्रिक विंडोज, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रिवर्स कैमरा और साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल मिलता है। तो ये सब फीचर्स हमको एक पिकअप में मिल रहे हैं, जो अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ी बात है। और ये गाड़ी 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आएगी, जो कि हमको S11 में दिया गया है। एंड सारे सेफ्टी फीचर्स जैसे डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, साइड इम्पैक्ट बार्स भी इस गाड़ी में हमको मिलते हैं। तो अब लास्ट में बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस अराउंड 15 से 18 लाख के बीच में होगा, जो कि मुझे पता है आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि बलेरो पिकअप 8 से 12 लाख के बीच में आ जाती है। लेकिन वो एक 2-डोर वाला सिंगल कैबिन वर्जन है, और ये एक डुअल कैबिन 4-डोर वर्जन है, और इसमें हमको उसके मुकाबले ज़्यादा पावर और ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि इसका प्राइस 15 से 18 लाख के बीच में तो होगा ही। तो देखते हैं और वेट करते हैं इसके लॉन्च का। तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये 4x4 स्कॉर्पियो पिकअप कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।